फ्रेंड्स, आज हम लोग एलएनबीओ पेडियम का 9.6 प्रॉब्लम नंबर का सलूशन करने जा रहे हैं। कुछ थ्योरेटिकल अप्रोच का ये प्रॉब्लम है जो हमने पिछले वीडियो में रीजन ऑफ कन्वर्जेंसी की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अपने रीजन ऑफ कन्वर्जेंसी का प्रॉपर्टी हमने पिछले वीडियो में LT 16 वीडियो होगा, आप उसे एक बार देखिए और उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये 9.6 प्रॉब्लम का सलूशन हम करने जा रहे हैं। चलिए, जो नई अभी वीडियो देखें उसके, तो उस वीडियो का जो पार्ट इस प्रॉब्लम में उपयोग में आएगा उसे हम बता देंगे। क्या बोल रखा है? एन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल XT इज नोन टू हैव पोल एट S=2। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो टर्म बोला है एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल के बारे में क्या पढ़ा है अपने, प्रॉपर्टी ऑफ आरोशी। अगर कोई सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा या कोई सिस्टम स्टेबल होगा तो उसके आरोशी के अंदर, आरोशी में जो रीजन डार्क करते हैं, डार्क रीजन के अंदर जे ओमेगा एक्सिस आएगा। मतलब आरोशी मस्ट कंटेन जे ओमेगा एक्सिस। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल बोल दिया, इसका मतलब आरोशी के अंदर जे ओमेगा एक्सिस आना ही आना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखकर हमने प्रॉब्लम का जवाब देना है। कुड XT बी फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल? फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल का मतलब बॉन्डेड सिग्नल, फाइनाइट ड्यूरेशन का मतलब बॉन्डेड सिग्नल, और बॉन्डेड सिग्नल का आरओसी क्या बताया था हमने प्रॉपर्टी में, बॉन्डेड सिग्नल का आरओसी क्या होगा? आरओसी ऑफ बॉन्डेड सिग्नल, फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, इज इंटायर एस प्लेन। क्या होता है आरओसी इसका? इंटायर एस प्लेन आरओसी होता है, पूरे प्लेन में हर जगह पे आरओसी होता है, तो हर जगह पे कन्वर्ज करता है। फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी पॉइंट पे डाइवर्ज नहीं करता है। तो आरओसी हो गया इंटायर एस प्लेन, मतलब ये पूरा का पूरा एस प्लेन डार्क हो गया। लेकिन इसमें बोल रखा है हैव ए पोल एट S=2। S=2 पे एक पोल है। अब बताइए S=2 पे अगर हम पोल बनाते हैं तो क्या होगा? पहला, आरओसी का प्रॉपर्टी फेल कर जाएगा। आरओसी डज नॉट कंटेन एनी पोल, आरओसी के अंदर कोई पोल नहीं आना चाहिए। तो जब एक पोल हो गया तो नेचुरल सी बात है कि इसका आरओसी या तो इसके लेफ्ट साइड होगा या इसके राइट साइड होगा। पोल तो आरओसी के अंदर हो ही नहीं सकता है, तो इसका आरओसी कभी भी इंटायर एस्प्लेन नहीं हो सकता है। इंटायर एस्प्लेन आरओसी नहीं हो सकता है तो फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल can't have any pole, finite duration signal can't have any pole, इसमें कोई पोल नहीं हो सकता। अगर कोई पोल finite प्लेन में रहेगा तो indirect प्लेन आरोशी नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या हो गया? नो आंसर। इसका आंसर में नो, XT could not be finite duration signal, XT finite duration signal नहीं हो सकता है। तो ए का नो आंसर आ गया। बी का देखें, कुड XT बी लेफ्ट साइडेड? अब S=2 पे पोल, S=2 पे पोल है, ठीक है, और ये बोला है स्टेबल भी है। मैं बता ही देता हूं, ये बोला है एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, तो जे ओमेगा एक्सिस आरओसी के अंदर रहेगा रहेगा। तो आरओसी जब भी रहेगा तो क्या होगा? इसके लेफ्ट साइड S=2 के लेफ्ट साइड वाला आरओसी होगा। ठीक है,
तो एक्स टी कैसा होना चाहिए, लेफ्ट साइडेड सिग्नल का आरोही लेफ्ट साइडेड होता है, तो बी का यस आंसर होगा, यस एक्स टी वुड बी लेफ्ट साइडेड, एक्स टी क्या होगा लेफ्ट साइडेड होगा। कुड एक्स टी बी राइट साइडेड, राइट साइडेड हो सकता है क्या, मतलब आरओसी टू के राइट साइड हो सकता है क्या, अगर टू के राइट साइड आरओसी होगा तो एब्सोल्यूट पी इंटीग्रल कैसे होगा भाई, फिर तो जे ओमेगा एक्सिस आरओसी के अंदर नहीं आएगा, तो सी पार्ट का नो आंसर होगा, राइट साइडेड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज इफ आरओसी रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन टू देन XT can't be absolutely integrable नहीं हो सकता है, जो कि contradict कर रहा है हमारे statement को, जो problem में दिया हुआ statement है कि absolutely integrable signal है, तो उसको contradict कर रहा है, तो right sided ROC नहीं हो सकता है, मतलब signal right sided नहीं हो सकता। Could XT be two sided? टू साइडेड हो सकता है क्या, लेफ्ट साइडेड तो हो गया, टू साइडेड हो सकता है क्या, हमने तो बताया दो ही होगा, या तो टू के लेफ्ट साइड या टू के राइट साइड, राइट साइड तो होगा नहीं, टू के लेफ्ट साइडेड, अब टू साइडेड हो सकता है क्या, इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए XT इज नोन टू हैव ए पोल एट s इक्वल टू टू, ऐसा कहीं लिखा है कि एसटी के एक्सटी के जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसका एक ही पोल है, एक पोल एस इक्वल टू टू पे है, और भी इसके पोल हो सकते हैं, ऐसा कुछ बताया नहीं है, तो हो सकता है एस इक्वल टू टू एस इक्वल टू माइनस थ्री पे भी एक पोल हो और आरओसी इसके बीच में बॉन्डेड हो, उसके बारे में कोई जानकारी दिया कि नहीं, एस इक्वल टू अगर माइनस थ्री पे पोल होगा तो टू साइडेड भी होगा, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल भी हो जाएगा, तो एक्स टी कैन बी टू साइडेड, यस, मतलब एक पोल के बारे में तो जानकारी दिया है इक्वल टू टू पे, अगर दूसरा पोल जीरो के लेफ्ट साइड होगा तो दोनों के बीच में आरओसी होगा, तो टू साइडेड सिग्नल भी हो सकता है, कैन भी हो, कुड भी हो सकता है, सी पार्ट में तो पॉसिबल ही नहीं था कि राइट साइडेड होता, तो फिर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो ही नहीं सकता था, ए आंसर आ गया। इस टाइप के प्रॉब्लम बनाने पे आरओसी की प्रॉपर्टी की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, तो ऐसे प्रॉब्लम को जरूर अटेम्प्ट करें और ऐसे वीडियो तो जरूर देखें जिसमें आपको मेहनत नहीं लगता है, सिर्फ वीडियो ही वीडियो देखते चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में।